तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना डाक के द्वारा मंगवाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं, और उनकी कोई भी फीस नहीं जाती है जो कि डाक के किसी भी कर्मचारी को दी जाए, तो उसके लिए आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे वो पैसे मांग रहा है तब ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मैंने एक यहाँ पर आधार कार्ड मंगवाया था, ठीक है, और ऐसे में वो आधार कार्ड के यहाँ पर 10 रुपये या फिर 20 रुपये मांगता, ठीक है, तो ऐसे में अब यहाँ पर हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाता है जो कि 1947 जो कि आधार से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो आप इसकी जानकारी यहां से भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने यहां पर बात की थी तो आधार का कोई भी यहां पर पैसा नहीं जाता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप यहां पर मेल कर सकते हैं जो कि UIDAI की वेबसाइट पर, ठीक है, तो मेल किस तरीके से करते हैं वो चलिए हम जान लेते हैं। मेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार अगर आप पैन कार्ड मंगवा रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं तो आपको उसी की ही वेबसाइट पर मेल करना है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेल किस तरीके से करते हैं वो चलिए हम जान लेते हैं। मैं मेल वाले ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यह है, ठीक है, यहाँ से हम मेल को सेंड करेंगे। तो मेल को सेंड करने के लिए सबसे पहले हम मेल को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें ये पैलेसिंग का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको ऊपर में आपकी मेल दिखाई देगी और आप जिस मेल पर मेल करना चाहते हैं वो मेल आपको टू में डालना है, और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में कौन सा रीजन है वो रीजन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और आप यहाँ पर उसके बाद में आप अपनी पूरी यहाँ पर बता देंगे कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपके पास मैसेज आ ही जाता है, मैसेज नहीं आता है तो आप वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जैसे कि नाम डिटेल्स आप वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पर था आधार कार्ड, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि मैंने PBC आधार कार्ड को यहाँ पर ऑर्डर किया था, ठीक है, तो उसका जो कि मैसेज मेरे पास आया था, ठीक है। अब यही मैसेज मैंने यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ और इसी के साथ में नाम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के, ठीक है, और जिस तरीके की प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है सेंड का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं और उसके बाद में आपके पास 24 घंटे में इस मेल का जवाब आ जाएगा, तो उसके बाद आप यहाँ पर आगे भी बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, वीडियो चली वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।